नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह पैटर्न कैसे काम करता है और इसे पहचान कर आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेगमेंट एक, शूटिंग स्टार क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शूटिंग स्टार पैटर्न आखिर होता क्या है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ये संकेत देता है कि एक अप ट्रेंड अब नीचे की तरफ मुड़ सकता है। ये पैटर्न आमतौर पर अप ट्रेंड के आखिर में बनता है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाता है। सेगमेंट दो, शूटिंग स्टार की पहचान कैसे करें? शूटिंग स्टार की पहचान करना काफी आसान है। ये कुछ खास बातों पर निर्भर करता है। एक लंबी ऊपरी विक, शूटिंग स्टार में ऊपरी विक काफी लंबी होती है, जो ये दर्शाता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को वापस नीचे ला दिया। दो, छोटा बॉडी, कैंडल का बॉडी छोटा होता है, जो ये बताता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के पास है। तीन, निचला विक छोटा या नहीं होता, शूटिंग स्टार कैंडल में निचला विक या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। सेगमेंट तीन, इसका क्या मतलब है? इस पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में ऊपर की ओर जाने का मोमेंटम खत्म हो चुका है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर्स ने प्राइस को वापस नीचे धकेल दिया, जो एक बेयरिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि आगे प्राइस गिर सकता है और ये ट्रेडर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि अब सेल करने का समय आ सकता है। सेगमेंट चार, शूटिंग स्टार पर कैसे ट्रेड करें? अब सवाल आता है कि आप शूटिंग स्टार पर ट्रेड कैसे करेंगे। शूटिंग स्टार दिखने के बाद अगर अगले कैंडल नीचे की ओर खुलती है, तो ये एक कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड अब नीचे जा सकता है। आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा शूटिंग स्टार कैंडल की ऊपरी विक के ऊपर रखना चाहिए, ताकि आप अपने नुकसान को कम कर सकें। सेगमेंट पांच, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। एक, शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड के बाद आता है। दो, शूटिंग स्टार की पुष्टि के लिए अगले कैंडल का ध्यान रखें। तीन, वॉल्यूम भी चेक करें। हाई वॉल्यूम पर शूटिंग स्टार पैटर्न ज्यादा मजबूत माना जाता है। चार, इसे अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर जरूर देखें, जैसे RSI या मूविंग एवरेजेस, ताकि आपका निर्णय और सटीक हो सके। ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं टारगेट पर। टारगेट हमेशा आपके रिस्क के हिसाब से सेट करना चाहिए। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट स्टॉप लॉस से दोगुना होना ही चाहिए। अगर हमने ₹10 का स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा टारगेट होगा ₹20 का। इसका मतलब है कि अगर आप 500 शेयर खरीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका नुकसान ₹5,000 का होगा। लेकिन अगर टारगेट हिट होता है, तो आपको ₹10,000 का प्रॉफिट होगा। मनी मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अकाउंट के 1-2% से ज्यादा रिस्क ना लें। मान लीजिए आपके पास 5,00,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% यानी ₹5,000 का रिस्क लेंगे। इस केस में आपका स्टॉप लॉस ₹10 का है, तो आप 500 शेयर तक ही खरीदेंगे, ताकि आपका कुल रिस्क ₹5,000 से ज्यादा ना हो। इससे आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है और आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह था शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।